हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां हमें हर तरह की फ्रीडम मिलती है। यहाँ पर हम खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, और अब तो और भी कई सारी चीजें सुधर गई हैं यहाँ पर। पहले ऐसा कहा जाता था कि हमें बंदिश में रखा जाता है, लेकिन अब वो आजादी, वो फ्रीडम, वो सपनों के पीछे भागने वाली जो आजादी हमें चाहिए होती है, वो अब मिलने लगी है। और बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों के लिए भी हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है। अब लड़कियों को कोई भी अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोकता, उल्टा सपोर्ट किया जाता है कि वो जाकर अपने सपनों को पूरा करें। पर बहुत दुख की बात है कि कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो इस इंडिपेंडेंस को भी एक एहसान की तरह लड़कियों को देते हैं। लड़कियों को हमेशा घर के काम सिखाए जाते हैं, खाना बनाना सिखाया जाता है, मर्यादा में रहना सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है, किसी स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करनी है। और यहाँ तक कि कोई ऐसा लड़का जिन्हें वो स्कूल कॉलेज से जानती है, उस लड़के पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, अपने मेल फ्रेंड के साथ घूमने फिरने नहीं जाना है। ये सारी चीजें हमें बहुत से घरों में देखने मिल जाती है। शायद आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके साथ में भी ये चीज होती ही होगी कि लड़कियों को हमेशा बाउंड्रीज याद दिलाई जाती है, लेकिन कई बार जो सच में जो बाउंड्रीज सिखानी चाहिए, उन बाउंड्रीज को कितने ही लोग सिखा पाते हैं, कितने ही लोग बता पाते हैं कि जब आपके साथ बाहर कोई मिसबिहेव करे, कोई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करे, तो आपको तुरंत रिएक्ट करना है, आपको तुरंत अपने लिए आवाज उठानी है, और अगर बात गंभीर हो तो उस बात को तुरंत किसी के साथ में शेयर करना है और अपना स्टैंड लेना है। आज ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि आए दिन खबरों में हम बहुत से ऐसे क्योंकि आए दिन खबरों में हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ में जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, मामूली सी बात ले लेते हैं, अगर स्कूल में किसी ने ऐसी वैसी तरह से छू लिया, तो हम एकदम से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते। और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि वो शायद कोई ऐसा पर्सन है जिस पे हम बहुत भरोसा करते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जिसे शायद हम बहुत मान की नजर से देखते हैं, हमारे लिए ही कहीं ना कहीं एक बुरी चीज साबित हो जाती है। तो आज का मेंटल डाइट का ये एपिसोड इसी मुद्दे पर रहेगा कि क्यों कुछ लड़कियां तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाती, इसका मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन है, और साथ ही सभी लड़कियों को किस तरह की बाउंड्रीज याद रखना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई आपसे दुर्व्यवहार करे तो उस पर तुरंत रिएक्ट कैसे करें। ये सारे टिप्स हम आज जानेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट खुशबू बख्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे मेंटल डाइट के इस शो में। थैंक यू राजवी, थैंक यू सो मच जी। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कई लड़कियां हैं जो एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, और उसके कई सारे रीजंस होते हैं, बट पहले तो हम ये जानेंगे कि क्यों रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, और फिर आप इसे बताइएगा कि मेंटल हेल्थ से क्या इसका कोई कनेक्शन है, अगर है तो क्या है। राजवी, बहुत सारे लड़कियां लड़के जो भी बचपन से लेके अपने टीनेज अपने एडोलेसेंस की फेज में आते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब हमारा बचपन से लेके जब हम जवान होते हैं, जब हमारा चाइल्डहुड चलता है, जब हमारा एडोलेसेंस टीनेज पीरियड चलता है, धीरे 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 हम एडल्ट्स बनते हैं, 21 22 23 25 27 28 साल के बनते हैं। हमें मींस एज एजुकेटर्स, एज मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, एज साइकोलॉजिस्ट, हम सब एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, हमको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमको खुद को और हमारे बच्चों को, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, उससे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम को ये पता चले दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर फेवरेबल एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर अनफेवरेबल, क्या चीजें हैं, क्या चीजें अनफेवरेबल है, इन अप्रोप्रिएट है, नहीं चलता है और नहीं चलाना है। right. हम सब चीजें चला लेते हैं बिकॉज सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे काका क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरे पापा का गवर्नमेंट जॉब है, मेरे पापा का बहुत बड़ा स्टेटस है, वो वडोदरा में हो, गुजरात में हो, इंडिया में हो या बाहर की कंट्रीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ आर यू थिंकिंग एंड व्हाट आर यू थिंकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा एडोलेसेंस टीनेज पीरियड,
ये पूरा जो फर्स्ट 18 इयर्स ऑफ लाइफ है, फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ लाइफ है, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज अभी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, VNM प्लेटफॉर्म पे हूँ, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो सब पेरेंट्स को, वो सब सोसाइटी कम्युनिटी वालों को, वडोदरा हो या वडोदरा से बाहर हो, गुजरात हो या ऑल ओवर इंडिया हो या हमारा नेशन हो, कि हमारे बच्चों को, हमारे टीनेजर्स को, वो बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं, छोटे वाले बच्चे, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, दे ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड देम. सो ये नहीं है कि 8 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, बिकॉज उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत शार्प होते हैं बच्चों के. हमको हमारे फिजिकल हेल्थ को ध्यान देना है, बट हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ, हमारे फिजिकल बॉडी के साथ, हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे विचार, हमारी भावनाएं कैसी है, हाउ आर वी थिंकिंग एंड व्हाट आर वी थिंकिंग, हाउ आर वी फीलिंग एंड व्हाट आर वी फीलिंग. सो इट्स नॉट अबाउट व्हाई आर वी फीलिंग दिस. हम एज लाइक एज वी ग्रो अप, पेरेंट्स जिस तरह से, हमारा पूरा परिवार हमको जिस तरह से बड़ा करता है, बिकॉज वो लैक ऑफ अवेयरनेस माँ बाप को भी है, इसकी वजह से वो ही लैक ऑफ अवेयरनेस, वो सेल्फ अवेयरनेस वो बच्चों को नहीं दे पा रहे. बिल्कुल. तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइन ऑफ बाउंड्रीज, लक्ष्मण रेखा तुम बाद में बनाओगे, बट लाइन ऑफ बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा तब बनेगी जब तुम्हें ये पता चल जाए कि क्या चीजें चल सकती है, क्या चीजें नहीं चल सकती. दैट्स नॉट अलाउड, इट्स एन ओ नो. सो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद पे विश्वास होना चाहिए, दैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट्स योर बिलीविंग इन योर सेल्फ, फेथ. खुद पे विश्वास रखो, फेथ रखो, भले दुनिया ना रखे फेथ को, भले वो सोसाइटी ना रखे, तुम्हारा खुद का परिवार ना रखे. आई थिंक सो हमको एक चीज से बाहर आ जाना चाहिए कि एवरी टाइम इट्स नॉट जस्ट द फैमिली दैट आई बिलीव इन, ये मैं बिलीव करती हूँ. ये नहीं है कि फैमिली इज नॉट देयर, फैमिली इज देयर, बट तुम्हें क्या परिवार से लेना है, क्या परिवार से नहीं लेना, वो फिल्टरिंग तुम करोगे. यू नीड टू टेक देयर स्ट्रेंथ्स, यू cannot take your family's weaknesses. That is as simple as that. वो हमारे बच्चों को नहीं समझ, किसी को बोला ही नहीं जाता. बच्चे क्या, मुझे भी नहीं बोला गया था. बिल्कुल. जब मैं सही में वो दायरा शायद नहीं सिखाया जाता, ऐसा कहा जाता है कि बड़े हैं तो मान लीजिए, भले गलत लगता है बट मान लीजिए, शायद वही एक रीजन बन जाता है वहां पे. सो बेसिकली आपका चाइल्डहुड एडोलेसेंट पीरियड, जो पहले 20 साल है तुम्हारी जिंदगी के, 20-25 साल है, वो बहुत मायने है. तुम एक बच्चे को, एक टीनेजर को किस तरह से बड़ा कर रहे हो, उसका सोच, उसके खुद के विचार, उसके खुद के बिलीव्स, उसके खुद के ओपिनियंस, आइडियाज कैसे बन रहे हैं, उसको कितना एक्सपोजर दे रहे हो आप, उसको उसका आत्मविश्वास किस तरह से बन रहा है, उसका आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ एस्टीम, तुम 10 में से खुद को कितना देते हो. आज भी मेरा प्राइवेट काउंसलिंग है, क्लिनिक है, तो बहुत सारे एडल्ट्स है, 40-50 साल के लोग, वो अपने आप को 10 में से हार्डली 3 या 4 देते हैं. कुछ लोग तो 10 में से अपने आप को 0 देते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना कभी वैल्यू जजमेंट लिया ही नहीं. वो हमेशा वैलिडेशन लोगों से मांगते रहे, मैं ठीक हूं ना, मैं ठीक कर रहा हूं ना, ठीक खाना बनाया ना, ठीक कपड़े है ना, ठीक बिहेवियर है ना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ये रीजंस हो सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इस तरह से कनेक्ट हो सकती है कि हम जब कोई ऐसी चीज हमारे साथ होती है, कुछ वियर्ड बिहेवियर्स हमारे साथ होते हैं, और ये बहुत आम बात है, लड़कियां जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो ये हम सोच ही नहीं सकते कि कभी लाइफ में एक्सपीरियंस ना हो, चाहे बस में ट्रैवल कर रहे हूँ, रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हूँ, किसी स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, एक बार एक्सपीरियंस हर किसी को होता ही है कि कोई गलत तरह से छूने की कोशिश करता ही है. उस वक्त कई लड़कियां हैं जो एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाती, तो ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन हो सकता है कि पहली बात कि आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं दिया जा रहा, दूसरी बात कि बचपन से मुझे जाती दुकान में डाल दी जा रही है कि आपको बड़े हैं, बड़े हैं तो उन्होंने शायद सही किया होगा, या शायद मैं नहीं बोल सकती वरना मुझ पर सवाल उठेंगे. सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक है,
तो हमको बच्चों को बड़ों को ये बताना पड़ेगा कि सब सफेद और काला नहीं होता, ग्रे भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, ब्राउन भी होता है, गोल्डन भी होता है. एवरीथिंग इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, कहा जाता है. एवरीथिंग इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रे आल्सो इन लाइफ. सो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, जो जैसे 5 साल की बच्ची को किसी ने बैड टच किया, वो 35 साल की हो गई तब तक उसने नहीं बताया किसी को, और 35 साल बाद उसको लगा कि मुझे थेरेपी काउंसलिंग लेनी चाहिए, बिकॉज जब मैं वो 5 साल की थी और मुझे छुआ था, मेरे ही परिवार में से किसी ने मुझे छुआ था. तो जब वो 35 साल की हो जाती है और जिसने उसको गंदी तरीके से, गलत तरीके से छुआ था, वो 62 ईयर्स का होके उनकी डेथ हो जाती है, तो वो 35 साल का अडल्ट उस दिन बहुत खुश होता है और आइसक्रीम खाने जाता है. ये मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो बता रही हूँ, मेरे ही क्लाइंट का. वो 35 साल तक वो किसी को बता ही नहीं पाई कि उसके ही परिवार में से उसकी ही कोई था जिसने जब वो 5 साल की थी और उसको गंदी तरीके से, गलत तरीके से छुआ था और उसके साथ हरकतें करी थी. और एक 5 साल का बच्चा क्या, 2 साल का बच्चे के साथ भी तुम अगर बैड टच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 2-2.5 साल का बच्चा भी जान जाएगा कुछ हो रहा है जो सही नहीं है. That's not comfortable at all. So we need to speak to the right figure at the right moment. That is very important. Right. You need to be assertive. Assertiveness बहुत काम आती है कि जहां आप right figure को, right लोगों को, right अपने emotions को express करो. वो इमोशंस में कोई भी भावना आ सकती है. इमोशंस, फीलिंग्स मतलब हमारी भावनाएं, तो पॉजिटिव भावनाएं भी आ सकती है, पॉजिटिव इमोशंस फीलिंग्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस फीलिंग्स भी आ सकते हैं. यही कुछ चीजें हैं जो सोशली हम पर इम्पैक्ट कर सकती हैं, पेरेंट्स, हमारी फ्रेंड्स भी कई हद तक. लेकिन पहले क्योंकि फैमिली से शुरुआत होती है, उन्हीं से हर चीज सीखते हैं. तो जब भी हम कहते हैं ना कि घर में लड़की पैदा हुई है तो आप लक्ष्मी आई है ये कहकर पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो उसी लक्ष्मी को उसकी मर्यादा भी याद दिला देते हैं. तो उन मर्यादाओं के साथ साथ अगर आप ये चीजें भी सिखा दें कि ये बुरा टच है और ये अच्छा टच है, और जब भी इस ये जो भेदभाव है कि कभी आपको महसूस करने मिले तो आप पहले आकर हमसे बात करें. भाई बच्चे बात नहीं कर पाते, वही दिक्कत हो जाती है. तो सबसे जरूरी है पेरेंट्स को सबसे पहले टिप देना कि आप किस तरह से अपनी बच्चियों को सिखाएं कि वो पहले आकर आपसे कोई भी शिकायत करे अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है. तो मैं ये चाहूंगी कि आप BNMTV के माध्यम से जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी. कोई भी उम्र की बच्ची हो, आप उनके साथ में उन्हें क्या समझा कर रखे ताकि वो पहले आकर आपसे बात करें. नंबर 1 राजवी, मैं वडोदरा के पेरेंट्स को, जो बच्चे 1 से 10 साल के बीच में हैं, जो बच्चे 10 से 20 साल के बीच में टीनेजर्स या एडोलेसेंस हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों में आत्मविश्वास, खुलापन, कम्युनिकेशन इनकल्केट करो रादर देन फियर. हम बच्चों को बचपन से लेके जब तक वो बच्चा बड़ा होता है, जब तक वो बच्चा 20-21 साल का होता है, लड़का लड़की कोई भी हो, स्पेशली गर्ल्स, स्पेशली बॉयज, उन्हें हम फियर इंकल्केट करते हैं कि देख ऐसा हो जाएगा क्या होगा, ऐसा हो जाएगा क्या होगा, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही एंशियस पड़े हुए हैं, पेरेंट्स अपने ही ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले हैं, पेरेंट्स खुद इतने स्ट्रेस में हैं कि उन्होंने एक ही चीज करी स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए, उस ट्रॉमा में से बाहर आने के लिए, उस दलदल में से बाहर आने के लिए, कि वो अपने दुखों को, अपने ट्रॉमेटिक या अपने स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस को एस्केप करते गए. दूर रहो, जब भी कुछ हो रहा है इसको डाइवर्ट करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, काम कर लो, बिजी हो जाओ, काम कर लो, बिजी हो जाओ. कितना काम करोगे आप, कितने बिजी रहोगे आप, कितना खाना बनाओगे आप, कितने घंटे, 18 घंटे काम करोगे ना, 20 घंटे काम करोगे, 4 घंटे घर पे आऊंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that today's parents should inbuild the self-confidence, the faith in the children, the trust in the children. That is very important because
विश्वास भी आजकल हिला हुआ है, ना बच्चे पेरेंट्स पे विश्वास करते हैं, ना पेरेंट्स बच्चों पे विश्वास करते हैं. कुछ पेरेंट्स एक्सट्रीम है, वो सिर्फ पढ़ाई A1 A2, पढ़ाई A1 A2, इंजीनियरिंग, अभी भी सब चीजें चल रही है. हमको ऐसा लगता है कि आमिर खान ने तारे जमीन पर तो बना दिया, बट तो भी वो तारे जमीन पर अभी तक अंदर नहीं गया है, इधर टच होके चला गया है वापस. अभी भी इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है प्रतिदिन. उनको जो जिंदगी के सही मायने हैं वो सिखाने की बजाय ग्रेड्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है. देयर आर स्टिग्मास, देयर आर लॉट ऑफ स्टिग्मास एंड टैबूज अभी भी जो हिडन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुल के वो चीजों से, अभी वो 21st century आ गई है, वो लाइफ स्किल्स अभी हम बच्चों को सिखाना है कि तू प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, तू बड़ा हो रहा है अभी, तू टीनेजर है अभी, तू अभी 16 साल का हो गया है, 14 साल का हो गया है, तू अभी बच्चा नहीं है, तेरा चाइल्डहुड चला गया है, तेरा टीन्स चालू हो गया है, तो तू डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, तेरे इमोशंस तेरे अंदर है, उसको तू स्प्रिंग की तरह दबा मत, सप्रेस मत कर, नहीं तो आगे जाके कुछ महीनों बाद वो वापस उछलेंगे वो इमोशंस. उसको एक्सप्रेस कर, बट किसको एक्सप्रेस करना है ये हमें बताना है बच्चों को. बच्चे क्या करते हैं आजकल, अपने पीयर ग्रुप इतना स्ट्रांग हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है पीयर ग्रुप, मतलब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम नहीं बोल सकते कि फ्रेंड्स मत मनाओ, फ्रेंड्स के साथ मत घूमो, मतलब फ्रेंड्स से बातें मत करो, बिकॉज पीयर्स आर, एक एज होती है 13, 14 साल, 15 साल, जब वो जो 4-5 साल है उनमें उनके दोस्त माँ बाप बैकसीट ले लेते हैं, दोस्त आ जाते हैं फ्रेंड सीट पर. बट ये उन्हें बताना इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं हम, कौन सी कंपनी हम ज्वाइन नहीं कर सकते, मींस कौन से लोगों से, कौन से पीयर से, कौन से दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं पॉजिटिवली, कौन से दोस्तों से, कौन से लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते. फ्रेंडशिप ऑल्सो हैज कैटेगरीज, सो एवरीवन कैन नॉट बी योर क्लोज फ्रेंड, ट्रस्टवर्थी फ्रेंड. There are informal friends and formal friends. So we need to make our children believe in themselves. Give yourselves 8 out of 10, if not 10 out of 10. And children should know the process of filtering कि ये इंसान के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये इंसान, ये दोस्त से मैं positively influence हो सकता हूँ कि नहीं. वो कब पता चलेगा? तब उससे पहले हम हमारे दिमाग में, मतलब बच्चे के दिमाग में वो एक्सपीरियंसेस डालेंगे कि बेटा क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सी चीजें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. राइट. लास्ट मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी पेरेंट्स को तो हमने एक टिप दे दी, और अच्छा होगा कि हर पेरेंट इस चीज को अपनाए अपनी लाइफ में और बात करना शुरू करे, सही बात करना शुरू करे, सही बाउंड्रीज सिखाना शुरू करे. बट लड़कियों को भी अपने आप में, क्योंकि आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारी सेल्फ वर्थ क्या है और हमें क्या चीज टैकल करनी है, क्या आने देना है और क्या नहीं आने देना है, कहाँ पर उस चीज को रोक देना है. तो लड़कियों के लिए कौन सी की पॉइंट्स हैं, क्या एडवाइस हम दे सकते हैं कि वो मेंटली सबसे पहले अपने आप को फिट रखें, कि कोई भी चीज हो रही है सोसाइटी में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में, वर्क प्लेस में, कुछ भी, बट अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखें, और साथ साथ किस तरह से जाने कि ये मेरी बाउंड्री है और मैं इस डिसरिस्पेक्ट को बिल्कुल भी टैकल नहीं कर सकती, फिर वो चाहे कोई भी कर रहा हो. तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगे लड़कियों को? पढ़ाई के साथ साथ, ट्यूशन के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इट कैन बी थिएटर, ड्रामा, इट कैन बी एनी ऑफ द स्पोर्ट एक्टिविटी, इससे तुम्हें पता चलता है दैट यू आर नॉट अलोन, देयर आर मेनी अराउंड यू. ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अकेले सैड नहीं हो, तुम अकेले नहीं, क्योंकि आजकल के टीनेजर्स में दे फील जैसे माँ बाप ने कुछ बोल दिया, या टीचर्स लो ग्रेड्स आ गए, टीचर्स ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हुआ, तो दे समटाइम्स दे गेट वेरी लो, उन्हें बहुत अकेलापन खाता है, लोनलीनेस बहुत ज्यादा है.
अडल्ट लोनली हो ही रहे हैं पर बच्चे भी आजकल लोनली हो रहे हैं। हाँ. अडल्ट कहीं ना कहीं अडल्ट को सहारे मिल जाते हैं पर बच्चों को सहारा कौन देगा क्योंकि वो अपने माँ बाप को भी नहीं शेयर करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, बहुत सारे स्कूल के बोलते हैं नहीं मम्मी पापा को टेंशन हो जाएगा, नहीं मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं, नहीं मम्मी पापा 9 से 9 जॉब करते हैं, कब बोलूं मैं उनको, उनको टेंशन हो जाएगा, वो ज्यादा सोचने लग जाएंगे, वो डांटेंगे मुझे, वो क्या बच्चों को ये भी बहुत होता है कि क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, क्योंकि उनकी जब बड़े हो रहे होते हैं तो सेल्फ आइडेंटिटी बन रही होती है उनकी, दैट इज वेरी क्रूशियल। सो नंबर वन, स्कूल के बाहर भी दुनिया है, ट्यूशन के बाहर भी दुनिया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बात करी खुद पे विश्वास, बिलीविंग इन योर सेल्फ, योर फेथ ऑन योर सेल्फ, खुद का वैल्यू तुम कितना दे रहे हो। मैं ये भी कहना चाहूंगी लड़कियों को कि मेंटली फिट रहने के लिए रादर देन टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल योर ओन वेल। तुम्हारा खुद का कुआ खाली है, कोई नहीं आएगा वहां पानी लेने के लिए, तुमको खुद का कुआ भरना है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब अगर तुमको मेंटल हेल्थ के लिए फिट रहना है तो तुम्हें ये जानना है कि वॉट आर माई थॉट्स एंड हाउ आर माई थॉट्स, हाउ आर माई थॉट्स मीन्स मेरे थॉट्स कितने हेल्दी है, और अगर अनहेल्दी है मेरे विचार या मेरे फीलिंग्स मेरे इमोशंस, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, टेक हेल्प, साइकोलॉजिस्ट से बात करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, कम्युनिकेट करो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को। अनहेल्दी विचार है, अनहेल्दी फीलिंग्स है, उसको हम हेल्दी फीलिंग्स और हेल्दी विचारों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये नहीं हो जाना चाहिए कि वो लेवल चला जाए, बहुत क्रॉस हो जाए वो लेवल। राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे थॉट्स और हमारे फीलिंग्स हमारे इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। ये कुछ टिप्स जो लड़कियों को सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए, एक उनकी बाउंड्रीज, दूसरा कि उनको मेंटली किस तरह से फिट रहना है ताकि वो तुरंत रिएक्ट कर सके, और यही इस वीडियो का एक्चुअली ज्यादा फोकस रहा है कि हम चाहते हैं कि आप खुद जाने कि जो चीजें आपको घर में पहले से सिखाई जाती हैं, बचपन से सिखाई जाती हैं, वो तो जरूरी है ही, साथ साथ बाहर जब आप निकलते हैं अपने सपनों के लिए निकलते हैं पूरा करने के लिए कुछ भी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि आप घर में ही बैठे रहे, तो आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें कि अगर कुछ भी आपके साथ में गलत घटता है, कुछ भी होता है, तो आप तुरंत अपनी आवाज उठा सके, और जिसके लिए आपको मेंटली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने सारे सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी टिप्स थे वो पेरेंट्स और साथ साथ जितने भी लड़कियां जितनी भी फीमेल्स हमें देख रही हैं उन सभी को याद रहेंगे, वो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच राजवी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मेंटल डाइट की आज के इस एपिसोड में हमने आप तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की कि आए दिन इस तरह की घटनाएं शायद आम मान ली जाती है, शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो या ना हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों से हम सभी को गुजरना पड़ता है, उस वक्त बहुत जरूरी है कि हम अपने दायरे याद रखें, और बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज उठाएं, और उसके लिए क्या क्या टिप्स जरूरी है ये सभी हमने आप तक पहुंचाई खुशबू बख्शी मैम के थ्रू। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और इसे ज्यादा से ज्यादा सभी लड़कियों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी इन टिप्स के बारे में पता चले। फिर मिलेंगे एक और मेंटल डाइट के एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिए BNM TV से।